हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स बाय टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1/4। तो यहाँ पे जो दिया है उसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लिख देती हूँ। तो यहाँ पे दिया है एक्स बाय टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1/4। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, एक्स एक्स को मैंने पहले भी बोला है, एक्स एक्स को एक साइड ला दूंगी। तो ये कितना है एक्स बाय टू, और यहाँ पे कितना है एक्स बाय थ्री है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू 1/4। ये वाला नंबर है तो ये माइनस में है तो इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। तो ये वाला देखिए, ये दोनों टू और थ्री एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो टू के टेबल में सिक्स कहाँ आता है, टू, ये नीचे वाला देखिए, टू के टेबल में सिक्स कहाँ आता है, टू के टेबल में थ्री मल्टीप्लाई करने से सिक्स आएगा। तो थ्री मल्टीप्लाई करने से सिक्स आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई थ्री होगा। तो फिर ये कितना हो गया, थ्री मल्टीप्लाई थ्री होने से 3x हो गया ये, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा। इसका मतलब 2/2, मतलब नीचे जो मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर होगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, 2/2। तो 2 मल्टीप्लाई 2, x कितना होता है 2x, तो 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी दोनों अलग है तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। एलसीएम आई होप आपको याद होगा, 4 5, तो 4 का कितना होता है, 2 2 जब 4 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया 20। तो एलसीएम कितना हो गया 20, तो 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 5 जा, तो 5 प्लस 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 जा, तो 4। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई 5 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया, x x बाय 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9/20। तो ये वाला क्या है, ये दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू 9/20, 20 ये डिवाइड में है तो यहाँ पे जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये कितना हो गया, ये देखिए, ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है, तो ये वाला यहाँ पे 6 इस साइड जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 और 3 9 18, 27, 27/10। तो इसका एक्स का वैल्यू कितना निकला, एक्स का वैल्यू 27/10। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया ये लीनियर इक्वेशन। अब आपको अगर डाउट है या चेक करना है, तो एक्स के जगह में आप 27/10 पुट करके देख लीजिए, आंसर आपको सेम आएगा। अब हमने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन बाय टू माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे देखिए, सारा वैल्यू अलग अलग है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से कितना आएगा, 2 4 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। तो मैं नीचे 12 लिख दे रही हूँ। तो 2 के टेबल में नीचे देखिए 2 दिया है, तो 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 6 12, तो ये वाला क्या हो गया, नीचे और ऊपर क्या हो गया, 6 6 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 6 6 6 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई n 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 6n हो गया। तो यहाँ पे लिखने में 6n माइनस 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 जा, तो 3 3 जा 9n, प्लस 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 2 जा, तो 5
के टेबल में टू, सिक्स के टेबल में टू जो होता है, तो ये टू टू मल्टीप्लाई टू टू, 5 2 जो 10, 10 9 हो गया ये, तो यहाँ पे 21। अब देखिए ये कितना हो गया, 6n-9n+10n। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डिवाइड में, तो इस साइड जाकर क्या होगा, इनटू हो जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6n, इन सबको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 -9 कितना होता है, -3n+10n। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, -3n+10n कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस करने से 7 आ गया, और यहाँ पे साइन बड़े में किसका है, प्लस का है, मतलब 10, 10 बड़ा है, 3 3 बड़ा है ना, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसके सामने क्या साइन है, प्लस है, तो ये 7n आ गया। अब 21 और 12 को क्या मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 21 12। अब 21 12 जा करिए या 12 21 जा करिए, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, 4 5 252, तो ये कितना हो गया, 252। 7n = 252, मुझे क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, तो n कितना हो गया, 252 / 7, तो 7 3 जा 21, 3 फिर 32, 7 6 7 5 सा 35, तो ये वाला कितना हो रहा है, 252 / 7 हो जाएगा, तो 7 के टेबल 7 3 जा 21 42, 7 6 जा 42, तो ये कितना हो गया, 36। तो n = कितना आ गया, 36। तो आपको वैल्यू में अगर n = में डाउट है, n = 36 है कि नहीं, तो फिर आप n में, यहाँ पे n में 36 का वैल्यू पुट करिएगा, जैसे हमने 2.1 में किया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x+7 -8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो एक्स एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ला देंगे, तो x-8x/3, यहाँ पे भी x है, तो ये कितना हो गया यहाँ के, +5x/2, ये वाला इस साइड चला गया, इस साइड गया, तो ये माइनस में साइन है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 17/6, और यहाँ पे देखिए 7 है, तो ये इस साइड चला जाएगा, मतलब राइट साइड जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्या करूंगी, एलसीएम ले जाऊंगी, एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 1 6 जा, तो ये कितना हो गया, 6x हो गया। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 जा, तो यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16x+2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 जा, तो 3 दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो 3 5 जा 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, 6 हो गया, 17 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो यहाँ पे 7 - 6, 7 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 6 7 42, तो यहाँ पे क्या आ गया, 42 आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एलसीएम करना, एलसीएम, अगर आपको एलसीएम में डाउट है, तो मैंने एलसीएम का और एक वीडियो, बेसिक में वीडियो बनाया हुआ है, एक बार एलसीएम देख लीजिएगा, उसके बाद पूरा डाउट आपका सॉल्व क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 6x-, यहाँ पे मैं इन दोनों को सॉल्व, आप यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो, सेम है, तो यहाँ पे कितना हो गया, -16 + 15, तो ये कितना हो गया, x हो जाएगा, मतलब 1 -16 + 15 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को 16 - 15 में कर दी, तो 1 आया, और बड़े में साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, तो ये 1 है, x मतलब 1x है वो, तो आप x लिखो या तो 1x लिखो, सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से कितना आ गया, 42, 42 - 17 करिए, तो ये हो गया 12, ये 7, 8 9 10 11 12 5,
यहाँ पे 3 हो गया, ये 225 हो गया, यहाँ पे 25/6। अब साइन किसका बड़ा में कौन सा है, माइनस का, तो माइनस साइन लग गया। उसके बाद क्या है, ये 6x-x, तो ये कितना हो गया, 5x हो गया, और ये वाला -25/6। और ये देखिए ये क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में 6 डिवाइड में है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया। आप नोटिस करेंगे तो सब में देखिए, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ है। अगर राइट साइड मल्टीप्लाई में होता है तो वो लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड होता है, अगर राइट साइड डिवाइड है तो वो लेफ्ट साइड जाकर होकर मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो गया, 5x = -25, ये 6 6 कैंसल हो गया, तो x का वैल्यू कितना रहा, x का वैल्यू रहा -5, तो x निकल गया हमारा -5। तो यहाँ पे निकला -27, यहाँ पे निकला -27/10, यहाँ पे निकला 36, यहाँ पे निकला -5। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है x-5/3 = x-3/5। तो फर्स्ट क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, x-5/3 = x-3/5। तो ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 3x-3/5। अब ये वाला यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है तो ये वाला इस साइड जाकर, नीचे जब भी आप देखिएगा एक डिवाइड में, टोटल डिवाइड में दिया है, पूरा टोटल, मतलब ऐसे नहीं कि आधा अधूरा डिवाइड में दिया, जैसे 2/3 - t, ऐसे नहीं, टोटल जब डिवाइड में दिया है तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 5 क्या है, इसके साथ डिवाइड में है, वापस से ये डिवाइड में है दोनों, तो यहाँ पे जाकर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। इसका मतलब 5x-5 = 3x-3। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जब टोटल क्वेश्चन डिवाइड में दिया हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका RHS और LHS दोनों डिवाइड में ही, सिर्फ डिवाइड में हो, ये नहीं कि ये x/3/5+1, तब तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर दोनों डिवाइड में है, ओनली डिवाइड में, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया, 5x-25 = 3x-9। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये साइन माइनस साइन आया, ये 5 फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो 5x-3x, ये 3x को मैं इस साइड ले गई, और ये -25 को मैं इस साइड ला दूंगी अभी, -9+25, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, 2x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9 -+ -, इन दोनों को माइनस करूंगी तो माइनस करने से कितना आएगा, ये 16, 16 आ जाएगा। उसके बाद साइन बड़े में क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या है, x = 16/2, कैसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया, तो 8 जा, तो x = 8, 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 2 8 जा, तो ये हो गया 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3t-2/4 -2t+3/3 = 2/3 - t। तो ये आराम से अच्छे से समझिए, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों भी डिवाइड में है, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, और नीचे का वैल्यू जब देखिए, नीचे का हमेशा वैल्यू देखिए, नीचे का वैल्यू दोनों अलग है, मतलब उनको एलसीएम करना पड़ेगा।
तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। उसके बाद 4 से क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, 4 से क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 4 से 3 मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये थ्री होगा, लेकिन ये क्या होगा, सारे नंबर से 3 मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि ये एक नंबर है अभी के लिए, ये एक नंबर है, तो इसीलिए 3 जो मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो ये 3 3t-2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस। अब क्या है ये यहाँ पे, अब 3 है, 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 जा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 4 मल्टीप्लाई, तो 4 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी क्या मीनिंग मतलब क्या है, 2t+3 एक नंबर है, तो इससे क्या होगा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2t+3। तो इतना ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला अच्छे से ये वाला समझिएगा, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, एलसीएम 12 आया, तो 4 के टेबल में 4 3 जा 12 आता है, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा मतलब ये एक नंबर से तो नहीं होगा, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। तो वैसे ही इस साइड भी 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2t+3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये कितना हो गया, 2, यहाँ पे भी 3 एलसीएम आया, मतलब ये वाला कितना है 1, तो यहाँ पे भी 3/3, तो ये कितना हो गया, 3t हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9t-3 2 जा 6 प्लस सॉरी -4 2 जा 8 8t -+-4 3 जा 12 by 12 = 2 -3t/3। तो ये कितना हो गया, 9t-8t, 9 -8t, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, -6 -12, -6 -12 कितना होता है, -6 -12 कितना हो गया, ये -18 हो गया। माइनस माइनस प्लस दोनों को मैं प्लस कर दी, साइन बड़े में कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिख दी, तो ये कितना हो गया, -18, तो मैं वही वहां पे भी लिख दूंगी -18, तो ये हो गया -18, तो ये हो गया -18 by 12 = 2 -3t/3। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब दोनों डिवाइड में हो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, t-18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और ये 12 2-3t, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, और ये 12 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा ये टोटल से, तो कितना आया आंसर, 3t-18 = 12 2-3t, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 3t-18 3 जा 54 24-12 3 जा 36 t, तो 3t+36t = 24+54, ये प्लस -36 इस साइड आ गया, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये -54 इस साइड आ गया, प्लस प्लस में हो गया, 36 37 38 39 39 t = इन दोनों को प्लस करने से कितना है, 5 6 78, तो t = कितना हुआ, 78/39 कितना हो गया, 2 जा 9 2 जा 18 3 t, तो t = कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे t कितना हो गया, 2, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में x कितना हुआ, 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में दिया है m = m m-, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, m-1/2 = 1-m-2
3 क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, दोनों अलग अलग दिया है, फर्स्ट क्या करूंगी, अलग अलग देने से एलसीएम करूंगी। एलसीएम हो गया तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये कितना हो गया 2m-, यहाँ पे कितना हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 3 m-2। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो एक सिंपल फॉर्मेट से मैं बताती हूँ, सिंपल फॉर्मेट से आपको करने के लिए भी इजी होगा और आपको समझ भी क्लियर आएगा। ये भी एक फॉर्मेट है लेकिन ओके ये वाला ये नहीं तो बताती हूँ। फर्स्ट 2m, ये वाला कितना हो गया 2 हो गया, तो ये m-m+1 ब्रैकेट ओपन हो गया इज इक्वल टू 3, ये भी ब्रैकेट में था, -m+2/3। तो ये 2m-1, m कितना हो गया m+1/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3+2, 3+2 कितना हो गया 5-m/3। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, दोनों डिवाइड में है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 3m+1 इज इक्वल टू 2 5-m, 3m+3 इज इक्वल टू 5 2 10-2m। तो ये 3m+2m ये वाला इस साइड चला गया और ये 3 इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू 10-3, तो ये कितना हो गया 5m इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 7, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 7/5। तो ये एक फॉर्मेट था, और आप और एक वे में कर सकते हैं। और एक वे में कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप जब करेंगे सॉल्व तो इसको क्या करेंगे, m-2/3 को आप टोटल को इस साइड ला देंगे, इस साइड लाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगेगा आप वो फॉर्मेट में करिएगा। अब हम देखते हैं, ये वाला आंसर तो निकल गया, अब आपको डाउट अगर है या आपको टेस्ट में आप श्योर नहीं है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो इसको आप क्या करिएगा, एम में वैल्यू पुट कर देखिएगा कि आंसर ठीक निकल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग 7th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको 1 से 6 क्वेश्चन तक समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है 1 से 6 के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।